ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको संपूर्ण विवाह विधि के सातवें भाग में विवाह होम के बारे में बताएंगे। आइए विवाह होम के मंत्रों सहित विवाह होम भाग सात को शुरू करते हैं। पहले वधु को आगे करके अग्नि की प्रदक्षिणा करके उसके बाद वधु को दाहिनी ओर करके एक आसन पर वर को बैठाना चाहिए। इसके बाद आचार्य वर्ण संकल्प होता है। आइए इस प्रकार से संकल्प है जानते हैं। ओम देश कालौ संकीर्त्य अद्य कर्तव्य विवाह होम कर्मणि आचार्य कर्म कर्तुम एभिर्वरेण द्रव्यैहि अमुक गोत्रामुक शर्माणं ब्राह्मणं आचार्यत्वेन त्वामहं वृणे। जो मेन पंडित जी हों वह आचार्य, उनका गोत्र और नाम। इसके बाद संकल्प के उपरांत वर अपने हाथ के जल को वरण किए हुए आचार्य के हाथ में देवे और आचार्य ओम व्रतोष्मि कहें। तदुपरांत निम्न श्लोक का उच्चारण करके आचार्य की प्रार्थना करें। आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् आचार्यो भव सुब्रत। ओम। इसके बाद ब्रह्मावरण संकल्प होता है। जो पंडित जी पूजन करा रहे हैं उनका संकल्प वरण होता है इस प्रकार से। अद्य कर्तव्य विवाह होम कर्मणि कृताकृत वेक्षण रूप ब्रह्म कर्म कर्तुम अमुक गोत्रमुक शर्माणं ब्राह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणे। संकल्प के बाद वर अपने हाथ के जल को वरण किए हुए ब्रह्मा के हाथ में देवे और ब्रह्मा बोले ओम व्रतोष्मि। तदुपरांत आगे दिए हुए श्लोक का उच्चारण करके ब्रह्मा की प्रार्थना करें। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पितामह तथा त्वं मम यज्ञेस्मिन् ब्रह्मा भवद्योत्तम। इसके बाद कुशकंडिका आदि से कुंड का पूजन होता है। वह हम आपको होम पद्धति के बारे में जब बताएंगे तब बताएंगे। और इसके बाद हम आगे की आहुति मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आधार संज्ञक द्वादशाहुतयः। तदनंतर कुशा द्वारा ब्रह्मा का स्पर्श कर आचार्य निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए 12 आहुतियों को क्रमानुसार प्रदान कराएं। जो घृत बचे उसका प्रोक्षणी पात्र में प्रत्येक मंत्र के बाद त्याग कराएं। इस प्रकार से मंत्र हैं, आइए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम श्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठाः यजिष्ठो अन्हितामः सो शुचानो विश्वाद्वेषागुंषि प्रमुमुध्यस्मात स्वाहा इदं अग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम।
सत्वं नो अग्ने वामो भावीति नेदिष्ठो अस्या उषसो विष्टौ आवायक्ष्वानो वारुणग्गुं राराणो व्रीहि मृडीकग्गुं सुहावो न एधि स्वाहा इदं अग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम आयाश्चाग्नेस्या नाभिसस्तीपाश्च शतयामित्वा माया आशि आयानो यज्ञं वाहास्यायानो धेहि भेषजग्गुं स्वाहा इदं अग्नये अयसे नमः। ओम जेते सतम वरुण जे सहसरम यज्ञाः पासावितता महान्ताः ते भिर्नो अद्या सावितो त विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मारुताः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यश्च स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपासमसमदावाधमं विमध्यमं श्रथाय अथावायमादित्यव्रते तवानागसो अदिताये श्यामस्वाहा इदं वरुणायादित्यदितये नमः। इसके बाद राष्ट्र वृद्रोमः ब्रह्मा के स्पर्श बिना निम्न 12 मंत्रों का आचार्य उच्चारण करते हुए श्रुव से घृत द्वारा आहुति प्रदान करावें। श्रुव में बचे हुए घृत का प्रोक्षणी पात्र में प्रत्येक मंत्र के अंत में त्याग करावें। इस प्रकार से मंत्र हैं, आइए जानते हैं। ओम रीता षाढ्रित धामा निर्गंधर्वाः सना इदं ब्रह्मचतरं पातु तस्मै स्वाहा इदमृता साहे ऋतधाम्नेग्नये गंधर्वाय नमः। जब नमः में बोलेंगे तभी स्वाहा की जगह आहुति प्रदान करनी है और नमः की जगह वो जो बचा हुआ घृत है उसे श्रुवे के द्वारा प्रोक्षीण पात्र में छोड़ दें ना। इसके बाद अगले मंत्र में उसी प्रकार से करना है। ओम रीता षाढ्रित धामाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौखाधायो प्रसारसो मुदा नामताभ्यः स्वाहा इदमोषधिभ्योऽप्सरुभ्यो मुदभ्यश्च नमः। ओम सगुं हितो विश्वासामा सूर्यो गंधर्वः सना इदं ब्रह्मक्षतरं पातु तस्मै स्वाहा इदगुं सगुं हिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंधर्वाय नमः। ओम सगुं हितो विश्वासामा सूर्यो गंधर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नामताभ्यः स्वाहा इदं मरीचिभ्यो अप्सरुभ्य आयो न नमः। ओम सुषुम्णाः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वाः सन इदं ब्रह्मक्षतरं पातु तस्मै स्वाहा इदं सुषुम्णाय सूर्यरश्मये चन्द्रमसे गन्धर्वाय नमः। ओम सुषुम्णाः सूर्यरश्मिचन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरशोभे कुरयो नामताभ्यः स्वाहा
इदं नक्षत्रेभ्यो अप्सरोभ्यो भेगुरिभ्यो नमः। ओम ईघिरो विश्वव्याचावातो गंधर्वाः सना इदं ब्रह्मक्षतरं पातु तशमैश्वाहा। इदमिशिराय विश्ववचसे वाताय गंधर्वाय नमः। ओम ईशिरो विश्वव्याचावातो गंधर्वस्तस्यारोप्सरश ऊर्जो नामताभ्यः स्वाहा। इदमद्भ्योऽप्सरुभ्य अर्भ्यो नमः। ओम भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गंधर्वः स न इदं ब्रह्मक्षतरं पातु दशमै स्वाहा। इदं भुज्य वेशुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय नमः। ओम भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गंधर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावानामताभ्यः स्वाहा। इदं दक्षिणाभ्यूप्सरुभ्यस्तावाभ्यो नमः। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मानो गंधर्वः स न इदं ब्रह्मक्षतरं पातु दशमै स्वाहा। इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसि गंधर्वाय नमः। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मानो गंधर्वस्तस्य ऋक्षा मान्यप्सरश एष्टायो नामताभ्यः स्वाहा। इदं ऋक्षामभ्योप्सरुभ्य एष्टिभ्यो नमः। इसके बाद जय होम होता है। आचार्य निम्न 13 मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रुव द्वारा घृत से होम करावे। श्रुवे में बचे हुए घृत का मंत्र के अंत में प्रोक्त छड़ी पात्र में त्याग भी करावें। इस तरह से मंत्र हैं। ओम चित्तम च स्वाहा इदं चित्ताय नमः। स्वाहा की जगह घृत हवन कुंड के अंदर प्रदान करना है और नमः की जगह जो शुरू में बचा हुआ है उसको प्रोक्षिणी पात्र में छोड़ना है। ओम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्त्यै नमः। ओम आकूतम च स्वाहा इदं आकूताय नमः। ओम आकूतिश्च स्वाहा ओम इदमाकुत्यै नमः। ओम विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञाताय नमः। ओम विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञात्यै नमः। ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसे नमः। ओम शक्वरीश्च स्वाहा ओम शक्वरीभ्यो नमः। ओम दर्शश्च स्वाहा ओम इदं दर्शाय नमः। ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नमः। ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते नमः। ओम रथंतरश्च स्वाहा इदं रथंतराय नमः। ओम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय विष्णे प्रायक्षदुग्राः प्रतनाजयेखु तस्मै वीशाः समानमन्त सर्वाः स उग्राः सः हवियो बभूव स्वाहा इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय नमः। और विवाह में अब अभ्यातन होम, पंचाहुतयः, अंतः पटाहुति मंत्रः, कन्या कर्त्री कोलाजा होमः, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको लाभ होगा। और लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें और इसका लाभ ले सकें। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।